इस टाइम पे मैं हीरा पानी नाम की एक जगह है नेपाल में। ऑलमोस्ट 3-4 घंटे से हम लोग चल रहे हैं। उसके बाद में ये एक हीरा पानी नाम की जगह मिली है जहाँ पे नया एक रेस्टोरेंट बना है 1 महीने पहले। तो इसका उद्घाटन का नाम और सारी चीज़ें लिखी है, ठीक है। तो होटल साथी करके नाम है। यहाँ रुके हैं लंच के लिए। दो अभी तक का मेरा जो इस ट्रैक का, मतलब आइटनरी तो नहीं कहूँगा, टेरेन का जो मेरा एक्सपीरियंस है, फर्स्ट 100 किलोमीटर का बहुत अच्छा तो नहीं रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, बिकॉज़ हम लोगों ने जो अपनी जर्नी बिहार से स्टार्ट करी थी, भीम नगर करके एक जगह है बिहार में, हम वहाँ से एक एंटर हुए थे, ठीक है। और उससे 2 किलोमीटर और आगे नेपाल बॉर्डर आ जाता है। नेपाल बॉर्डर से एंटर करके फर्स्ट 100 किलोमीटर की जर्नी मेरी बहुत अच्छी नहीं रही है। आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू गाइस। अभी तो उसके बाद की जो ये टेरेन है काफ़ी अच्छा हो गया है, वेदर भी काफ़ी अच्छा है। इवन जो यहाँ पे अब मेरे को ट्रैफिक और लोगों का चलाने का तरीका जो दिख रहा है, गाड़ियाँ थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इवन ग्रीनरी काफ़ी हो गई है, जो लूप्स बने हुए हैं पहाड़ के वो भी काफ़ी अच्छे हैं। तो बट हाँ, पोस्ट 100 किलोमीटर, उससे पहले के तो नहीं कहूँगा, उससे पहले के लिए बाद में। तो चलिए तब तक लोकल्स जो यहाँ के हैं इनसे बात करते हैं। ये आप यहाँ के ओनर हैं? ये यहाँ के ओनर हैं और यहाँ अपना काम भी करते हैं और हमें खाना भी खिलाते हैं। आज आप क्या खिलवाएंगे? सब कुछ, पर खाऊंगा तो मैं थोड़ा सा ही, थोड़ा थोड़ा। आप हिंदी पूरी नहीं समझते? थोड़ी थोड़ी नहीं आता है, हिंदी नहीं आता है, थोड़ा भी नहीं आता है। चलिए थैंक यू। तो ये यहाँ की ओनर हैं और हिंदी यहाँ ज़्यादातर लोगों को नहीं आती, नेपाली लोग हैं तो। बट हाँ, अब इंडियंस यहाँ आते जाते रहते हैं तो आपको थोड़ा बहुत तो हिंदी बोलना ही पड़ता है, बिकॉज़ इंग्लिश आप बोलेंगे तो यहाँ समझ नहीं आएगी, हिंदी आप बोलेंगे तो प्रॉपर समझ नहीं पाएंगे। बट हाँ, थोड़ी थोड़ी समझ लेंगे तो जिससे कि आपका काम चल जाएगा बस। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. रात के ऑलमोस्ट 8:30 बज रहे हैं। हमारे साथ की एक राइडर की पल्सर, ये जो गाड़ी है ये पंचर हो चुकी है या फिर हवा निकली है, अभी श्योरिटी नहीं है। बट ऑलमोस्ट आधा घंटे से ट्यूबलेस टायर होने की वजह से हम लोग इसको चला रहे हैं और बड़ी मुश्किलों से यहाँ पर एक शॉप मिली है जो कि अभी टेस्टिंग कर रहे हैं कि ये गाड़ी पंचर है या फिर इसकी हवा निकली है। पंचर है? नहीं है, हवा ही निकली है। हवा कैसे निकल गई फिर? आई थिंक वाल्व भी आपको चेंज किया होगा। कॉलेज का चले लगा लिया।
हवा निकल कैसे गई? बाल्ब इसका तो नहीं खराब है, बाल्ब जो है वो थूक थूक लगा के देखो इस पे हवा नहीं निकल रहा। पंचर एक बार लाइट जला के ना, ये नहीं मैं वही बोला एक बार फिर भी, वैसे तो उन्होंने नजर मार लिया, तुम टॉर्च जला के फिर भी टायर धीरे धीरे चला के देख लो एक बार ना, तसल्ली के लिए दोनों साइड से आगे पीछे करके चेक कर लो। तो फाइनली अभी तो हमें नहीं समझ में आया कि ये हवा क्यों निकली है। है पंचर पहले इसमें एक था, तो बारीक हो बहुत पतला था ऐसे देखने रहा हूँ। वो तो फिर टायर खोल के ही पता चलेगा। पानी इसमें लगा देते नहीं, पतला तो नहीं है, पतला बन चुका पतला छोटा सा है। ये कोई चीज नवी लग गई हो इतना नहीं कंफर्म हवा पूरी होगी तो और क्या मम्मी है चेक करो जरा पूरे हैं ठीक है पहुंच जाएगी वहां तक भी है। क्या सेवा की जाए, क्या सेवा की जाए, क्या दिया जाए आपको? गाड़ी में पंचर तो नहीं है, हवा बढ़ने का? अरे नहीं ऐसा मत कर यार, तो पंचर लगाने का लगता है, पंचर तो नहीं। कितना बोल रहे हैं? चेंज पड़े हैं बस। कितने बोल रहे हैं? अबे क्या हो गया भैया, सब ठीक है? इसी दुनिया से कितना उसमें देख अंशुल से एनसी ये भैया हवा डालने के हमसे 50 रुपये मांग रहे हैं। ये देख लो ये नेपाल का रेट चल रहा 50 रुपये हवा डालने का। इंडिया के अंदर पता आपको 50 रुपये के अंदर पूरा पंचर बन जाता है, टायर निकल जाता, और 100 रुपये में तो मैं अलाइनमेंट ठीक करा लेता हूँ। और एक बार बताऊँ आपको 10 रुपये भी नहीं लगता, पेट्रोल पंप के ऊपर फ्री हवा डलती है। जो हमारी एंड हुई है इन्होंने 20 रुपये हमसे हवा डालने के चार्ज किए हैं। इंडियन करेंसी में आप डिवाइडेड बाई 1.6 से आप लगा सकते हैं। चलिए फिर अपनी नेक्स्ट जो हमारी फाइनल अभी की डेस्टिनेशन है काठमांडू, वहाँ पहुँचते हैं। तो हम लोग ऑलरेडी टाइम से लेट चल रहे हैं।